दोनों सबको भैया मुलाकात करो सबसे। हाय। हाँ बेटा, ये गोविंदा के बहन के बेटे हैं, भांजे हैं दोनों मेरे, दोनों भी, कृष्णा विनय, दोनों हीरो हैं। बिल्कुल, दोनों हीरो हैं और ऐसे भी हीरो हैं। हाँ, ये क्या बात है? मतलब कि हमारे डैडी हमेशा एक बात बोलते थे कि जब तक व्यक्ति भीतर से हीरो नहीं हो, कहीं ना कहीं उसके इमोशंस एक साधारण व्यक्ति से जैसे होने चाहिए उससे ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, तब तक वो हीरो बन ही नहीं सकता। क्योंकि जो आदमी अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपने दोस्तों के लिए ठीक से रोता नहीं है या उनके दुख में काम नहीं आता, वो पर्दे पर क्या करेगा और किस मुँह से करेगा। क्या बात है। तो इनमें यह खासियत है, बहुत ही इमोशनल और कुशल व्यवहार बच्चे हैं दोनों। जो भी ब्लड मेरे अंदर दौड़ रहा है इनकी वजह से दौड़ रहा है। मैं जो भी हूँ, जो भी बना हूँ, कुछ भी बना हूँ, खड़ा हूँ, थोड़ा भी चलता हूँ, कुछ भी पहनता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, जो भी मेरे बाल आ रहे हैं मतलब जो भी सर्कुलेशन हो सकता है मेरी बॉडी में, कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ गोविंदा जी। कुछ नहीं, मेरे लिए मन्नत नहीं मांगी होती तो भी खड़ा ही नहीं होता। मन्नत मांगी थी। मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि अपनी बहन के लिए मन्नत मांगी थी इन्होंने कि अगर उन्हें बेटा होगा तो मैं अपने कंधे पे उठाकर उसे वैष्णो देवी ले जाऊंगा माता के दर्शन के लिए। मुझे कंधे पर उठाकर 4 घंटा पूरा हुआ यह कि इसको मन्नत लिया मैंने, मन्नत लेने के बाद में यह हुए, चारों तरफ से खुशी का माहौल बन गया। लेकिन मैं 2 साल दिन रात काम करता रह गया, 2-3 साल दिन रात काम करते करते मैंने एक दिन कीर्ति भैया से कहा कि मन्नत तो ले ली और बच्चा भी मिल गया सिस्टर को, और मैं गया नहीं माता रानी के पास, मुझे पाप लगेगा। तो तभी तक ये भाई साहब बड़े हो गए, 3-4 साल के हो गए, हट्टा कट्टा भी हो गया था। और उठाने इनको मैंने कंधे पे जब चढ़ाया वैष्णो देवी में, तो जब सामने पहाड़ी देखी तो मैं बैठने लगा। इतने में ऐसा एक कमाल हुआ कि मैंने मन्नत ली थी कि मैं कंधे पे ले जाऊंगा, वहाँ 20 भक्त आए हुए थे, उन्होंने मुझे एक तरह से लिफ्ट जैसा ही कर दिया, धकेल जैसे हाथ मेरे पकड़ लिए दोनों, और इसके भी हाथ पकड़ लिया और धकेलते हुए मुझे उन्होंने 3.5-4 घंटे में माता रानी में बचा दिया। जय माता दी। और मन्नत की मन्नत पूरी हुई और मैंने शायद 2-3 बार ही इसको कंधे से उतारा होगा। ये बताइए कि ये घर में भी इतने ही सीरियस और फिलोसोफर और स्पिरिचुअल रहते हैं, आप लोगों को हंसाते वसाते भी हैं कि नहीं? घर में तो भी एंजॉय, फ्रीक आउट। सर वो बात बता तू, वो बहुत मजेदार बात बताते हैं, हमेशा मेरे पीठ पीछे भी बोलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। आप लोग भी आप लोग सुनिए कि कोई व्यक्ति मुझसे मिलता है तो कैसे मिले। अच्छा, इतने बिजी रहते हैं अपने काम में, इज सो बिजी के एक्चुअली एक्टर्स, अभी कोई आया घर में तो घर में जैसे कोई आया तो उसको मिल रहे हैं। अरे भाई, हाँ कैसे हो? बस ठीक है। अरे चलो, पतला हो गया यार तू। पतला? मम्मी कैसी है? ठीक। अच्छा चलते हैं। मैं चला गया। कौन था ये? ये बदमाश है, इतना ज्यादा बुरा हाल नहीं है मेरा। इतना बुरा अभी जाते जाते बोलेगा, ब्रेक के बाद बोलेगा कौन था ये। अरे नहीं।